नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन है वो है इंदौर से उदयपुर सिटी तक चलने वाली वीरभूमि चित्तौड़गढ़ एक्सप्रेस। दोस्तों, इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है हिमांशु सनाध्या ने। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में दबा दे इस बेल आइकन को, ताकि आप तक हमारी हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। दोस्तों, इंदौर से उदयपुर सिटी तक चलने वाली वीरभूमि चित्तौड़गढ़ एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 19329। दोस्तों, अगर इस ट्रेन के हम ट्रेवल टाइम की बात करें तो यह ट्रेन इंदौर से उदयपुर सिटी की कुल दूरी 479 किलोमीटर की यात्रा को कवर करती है 11 घंटे और 40 मिनट में। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और इस ट्रेन का संचालन करती है पश्चिमी रेलवे। दोस्तों, यह ट्रेन हफ्ते के सातों दिन चलने वाली एक डेली ट्रेन है। यह ट्रेन रोजाना मध्य प्रदेश के इंदौर स्टेशन से रवाना होती है और अगले दिन यह राजस्थान के उदयपुर सिटी में अपनी यात्रा को पूरा करती है। इस ट्रेन के इंदौर से उदयपुर सिटी के बीच में 16 स्टेशन है और यह एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन है। अगर इस ट्रेन के कोचेस की हम बात करें तो इस ट्रेन में ICF श्रेणी के कुल 18 कोच हैं, जिसमें से एक कोच फर्स्ट एसी का है, जिसका इंदौर से उदयपुर सिटी तक का किराया है 1655 रुपये। एसी 2 टायर का एक कोच है जिसका किराया है 980 रुपये। एसी 3 टायर का एक कोच है जिसका किराया है 685 रुपये। स्लीपर क्लास के इस ट्रेन में 9 कोच हैं जिसका किराया है 255 रुपये और सामान्य क्लास के इसमें 4 कोच है जिसका किराया है 145 रुपये। 2 कोच लगेज कोच हैं। ये किराया दोस्तों इंदौर से उदयपुर सिटी तक का है और इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप रेलवे के टिकट काउंटर से कन्फर्म करें। इस ट्रेन के अगर लोकोमोटिव की हम बात करें तो इस ट्रेन को इंदौर से रतलाम जंक्शन तक वडोदरा लोको शेड का WAP-5 या फिर WAP-4E, इनमें से कोई एक लोकोमोटिव लेकर जाता है और रतलाम से उदयपुर सिटी तक इस ट्रेन को रतलाम लोको शेड का WDM-3A या WDP-4D, इनमें से कोई एक लोकोमोटिव लेकर जाता है। तो आइए अब दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस ट्रेन के कौन कौन से स्टेशन हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, इंदौर से उदयपुर सिटी तक चलने वाली वीरभूमि चित्तौड़गढ़ एक्सप्रेस हर शाम 5:40 पर इंदौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से रवाना होती है। और दोस्तों, इंदौर जंक्शन से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज है वो है देवास जंक्शन। शाम के 6:32 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और 6:34 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है उज्जैन जंक्शन शाम के 7:25 पर और करीबन 5 मिनट रुकने के बाद 7:30 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है नागदा जंक्शन रात के 8:32 पर और 8:34 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है खाचरोद रात के 8:50 पर और करीबन 2 मिनट रुकने के बाद 8:52 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है रतलाम जंक्शन रात के 9:30 पर और करीबन 20 मिनट रुकने के बाद 9:50 पर यह ट्रेन रतलाम जंक्शन से रवाना हो जाती है। रतलाम तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 176 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। रतलाम जंक्शन में इस ट्रेन के लोको व रेक रिवर्सल डायरेक्शन में लगते हैं। यहां पर दोस्तों इस ट्रेन का इंजन भी चेंज होता है और इसमें इलेक्ट्रिक की जगह डीजल इंजन लगता है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है जावरा रात के 10:26 पर और 10:28 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है मंदसौर रात के 11:30 पर और 11:32 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है पीपलिया रात के 11:48 पर और 11:49 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है नीमच रात के 12:30 पर और करीबन 5 मिनट रुकने के बाद 12:35 पर यह ट्रेन नीमच से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है जावद रोड रात के 1:04 पर और 1:05 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है नीम्बा हेडा रात के 1:26 पर और 1:28 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है चित्तौड़गढ़ जंक्शन रात के 2:10 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 10 मिनट रुकने के बाद 2:20 पर यह ट्रेन चित्तौड़गढ़ जंक्शन से रवाना हो जाती है।
चित्तौड़गढ़ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 365 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है कपासन रात के 3:42 पर और 3:44 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है फतेह नगर सुबह के 4:02 पर और 4:04 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मावली जंक्शन सुबह के 4:15 पर और करीबन 2 मिनट रुकने के बाद 4:17 पर यह ट्रेन मावली जंक्शन से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है राणा प्रताप नगर सुबह के 4:52 पर और 4:54 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप है वो है उदयपुर सिटी। सुबह के 5:20 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 487 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। और दोस्तों यह ट्रेन 19309/10 इंदौर से गांधीनगर तक चलने वाली शांति एक्सप्रेस के साथ अपने रेक भी शेयरिंग करती है। तो दोस्तों ये थी इंदौर से उदयपुर सिटी तक चलने वाली वीरभूमि चित्तौड़गढ़ एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।